जोहार हजारी बाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारी बाग। अभी मैं आनगो गांव आया हूं और यहां आनगो गांव से मेरे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है विनोद बिहारी महतो और ये एक पैर से दिव्यांग है, लेकिन इनके जज्बे और हौसले को देखिए आप किस तरह से ये टीम मैनेज करते हैं अपने। और एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं गाँव में, गाँव में हर जगह कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कभी हार नहीं मानी, यही स्कूटी से जाते हैं गाँव गाँव घूमते हैं और जो पीछे काम चल रहा है इतना बड़ा काम को अकेले मैनेज करते हैं। तो विनोद बिहारी जी कैसे करते हैं, कब से ये काम कर रहे हैं? 2012 से। 12 से कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आप सोचे कि धीरे धीरे मतलब कहीं से मतलब दूसरा को देखे लाए थे भाड़े पर, तो देखे कि इतना इनकम हो गया तो फिर धीरे धीरे अपने से स्टार्ट कर दिया। तो क्या लगा आप जब एक पैर से दिव्यांग थे तो क्या लगा था कुछ कर पाएंगे लाइफ में? हाँ कर कैसे सोचे थे ये सब? उस समय मिस्त्री सब बोला, हौसला दिया हमको कि तू काम चालू करो, हम लोग है साथ में। अच्छा तो ये स्कूटी कब आया आपके पास? 2018 में। 18 में कौन दिया स्कूटी? अपना ये अपने से चक्कर लगवाए हैं जी। हाँ स्कूटी लगाने से क्या हुआ आपको फायदा? सुविधा हुआ आने जाने के लिए, अकेले जाते हैं कहीं? हाँ अकेले कहीं भी, लोगों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं कहीं भी। तो ये सब जो आप ये बैसाखी लेके चलते हैं, कभी बाधा बड़ा बना आपके सक्सेस में? कुछ नहीं, कोई बाधा नहीं पड़ा। नहीं टीम जो बना ली है ये पूरा मैनेज कर लेते हैं? हाँ सब कर लेते हैं। और पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? मैट्रिक तक। मैट्रिक पढ़ाई किए हैं जी, उसके बाद यही गांव में रहते हैं जी। तो अभी तक कितना काम कर चुके हैं? हमको तो अभी पता नहीं है कि कितना गिनिए नहीं सकते हम, गिन नहीं सकते हैं। नहीं गिन सकते हैं, ये अपना काम चल रहा है, ये अपना प्रश्न अपना घर है, लोगों का सबका काम कर चुके हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपना घर मतलब इतना कमा चुके हैं कि अपना घर बना। नहीं और घर से हेल्प मिला हुआ है, और घर से हेल्प मिला हुआ है, अकेले नहीं। अच्छा भाई सब है, पापा है, लेकिन आपका सहयोग पूरा है, सेटरिंग अपना है, अपना सेटरिंग है जी। तो अभी पूरे गांव एरिया में जाते हैं जी, पूरा अभी तीन जिला में, बोकारो तक, तीन जिला में जाते हैं, बोकारो रामगढ़ हजारीबाग, ये तीनों हजारीबाग, हाँ तीनों जिला में काम कर चुका हूँ। आपको सब फेमस कर दिया है विनोद बिहारी महतो के नाम से। आइए इधर आइए, ये देखिए इनका जो एक टी शर्ट है, ये इनका जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वर्कर लोग हैं, ये विनोद बिहारी महतो के नाम से पूरा फेमस है, आनगो चुरचू लिखा हुआ है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर, इनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ इनके लोग रहते हैं वो टी शर्ट पहन के काम करते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री में, बड़े बड़े संस्था में कि किस तरह से लोगों को एक ब्रांड लोगो मिलता है, वो टी शर्ट पहन के काम करते हैं। उसी तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ये छोटे छोटे स्तर में भी देखिए किस तरह से कर रहे हैं, टी शर्ट में अपना नाम और ये छपा दिया है अपने काम का। तो जहाँ भी जाते हैं इनको लेके जाते हैं, ये लोग काम करते हैं, ये टी शर्ट पहन के जाते हैं। तो ये बताइए बाकी आगे क्या प्लान है आपका, क्या करना है? करते रहेंगे इसी तरह, करते रहेंगे, हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। नहीं बाकी जो लोग फायदा हो या ना हो, हम अपना मिस्त्री को खटाते रहेंगे, अपना मिस्त्री को खटाते रहेंगे, मिस्त्री को रोजगार देंगे। हाँ मिस्त्री को रोजगार देते रहेंगे। मतलब कितना लोगों को अभी तक दे चुके हैं रोजगार? लगभग मेरा तो अभी 10 को हर समय रहता है, 10-15 हर समय आपके साथ रहता है पर डे, मिस्त्री लेबर सब मिला के। और वो आपके सप्ताह में लगभग लिए ही काम, सप्ताह में कम से कम 40 को एक दिन आ जाता है, 40 एक दिन आ जाता है। तो देखिए यही है चुरचू छोटे से गाँव में। हाँ आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? यहाँ पे है, आनगो के हैं। क्या नाम है? भुवनेश्वर महतो। भुवनेश्वर महतो, आपका क्या नाम है? महेश महतो। कब से जुड़े हुए काम कर रहे हैं? ये 2013 से हम काम कर रहे हैं इनके साथ। 13 से? हाँ 2013 से काम कर रहे हैं इसके साथ में, इन्हीं के साथ। हाँ चलिए, तो देखिए 13 से इनके साथ जुड़े हुए हैं, 10 साल हो गया लगभग जुड़े हुए, और सभी लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ जो है। तो गाँव में बहुत चर्चा है, इनका नाम है विनोद बिहारी महतो और टी शर्ट इनका जो है वो पूरा पॉपुलर है। आसपास जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है गांव में, जो भी ठेकेदारी का काम होता है वो इनको ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पैर से दिव्यांग है लेकिन हौसला कभी नहीं हारा, अपनी स्कूटी को ऐसा बना दिया कि इसी स्कूटी से लेके चलते हैं। थोड़ा चला के दिखाइए हम लोग को। तो देखिए यही स्कूटी है, ये देखिए इनका स्कूटी है, बच्चा को ही बैठा के अपना ले गए हैं, ऐसा तीन पहिया का स्कूटी खुद से बना दिया और इसी को लेके घूमते हैं, गांव जाते हैं, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट इसी से लेते हैं और आज एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो इनके जज्बे को सलाम। इनका बेटा है क्या? वो स्कूल जाता है? कौन स्कूल जाता है? चलिए, तो यही था आज का जो कहानी था, आनगो गांव चुरचू में ऐसे व्यक्ति मिले विनोद बिहारी महतो जी, जिन्होंने
अपने हौसले और जज्बे से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया हम कह सकते हैं। 40 लोगों को समझ लीजिए कि हर महीने काम देते हैं और 10 लोग इनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुफैज अनवर जोहार वाली बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।